नेक्स्ट हम तो डिस्कस कर रहे थे रिवर बोट रिवर बोट और विंड एरोप्लेन भी सेम था तो इसमें से ये बताया था कि फिर से क्वेश्चन ही लेते हैं इसमें अच्छा एक चीज बताया था मैंने कि जो साइन थीटा है साइन थीटा है ये थी रिवर uh, की स्पीड रिवर की स्पीड है यू रिवर की स्पीड यू ये ऑफ मैन इन स्टिल वाटर और वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर उसका मतलब है कि वो वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू वाटर या विद रिस्पेक्ट टू रिवर तो ये हो जाएगा वी माइनस आर तो जो वेलोसिटी ऑफ बोट होगी वेलोसिटी ऑफ बोट वो रिवर के रिस्पेक्ट में जो होगी और प्लस रिवर की वेलोसिटी का वेक्टर सम तो उसके चल रहा है तो जो इसलिए मतलब नहीं मानना है एक कॉमन कंफ्यूजन वाटर का मतलब यह है कि रिवर का वाटर रेस्ट में नहीं है वो मूव कर सकता है बट वो वाटर के रिस्पेक्ट में हमेशा इससे मूव करेगा वो हमने लिया था कि जो वी बी आर है वो है वी तो वो उसको क्रॉस करना है यहाँ से तो इसके कई सारे टर्म थे कि टाइम मिनिमम टाइम टाइम टू क्रॉस द रिवर मिनिमम मिनिमम और ड्रिफ्ट मिनिमम ड्रिफ्ट और इस मिनिमम ड्रिफ्ट को हम ये भी बोल सकते हैं शॉर्टेस्ट पाथ ये जो है शॉर्टेस्ट पाथ भी है कि शॉर्टेस्ट पाथ यहाँ से यहां तक क्या होगा यहाँ से यहां तक यही हो जाएगा शॉर्टेस्ट पाथ तो ये क्या है ये मिनिमम ड्रिफ्ट वाला ही पॉइंट है बट क्या हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ पॉसिबल हो पाएगा हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ पॉसिबल नहीं है जैसे मान लो पानी बहुत तेज जा रहा है कितना भी फाइट मार मैथमेटिकली जो इक्वेशन किए थे वहां से लिख पाए थे तो ये आया था v बाई यू साइन थीटा यहां से जनरल ले लिया था कि किसी एंगल पे जा रहा है ये v है ये थीटा है तो जो टाइम टू क्रॉस द रिवर ये अगर डी है तो यहाँ से लिख लिया था कि जो टाइम टू क्रॉस द रिवर हो तो वाई डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी वही डिसाइड करेगी तो ये हो जाएगा डिस्टेंस डिवाइडेड बाई वी थीटा फिर हमें बताना था व्हाट इज द मिनिमम टाइम कितना जल्दी से जल्दी क्रॉस कर लेगा तो वो जो है थीटा की वैल्यू हमने वन ले लिया था थीटा की वैल्यू वन थीटा जीरो डिग्री मतलब अपने आप को सीधे सीधे इसी लाइन में रखता है

अब इसमें ये बताया था मैंने कि अगर रिवर का फ्लो बहुत ज्यादा है मैन की जो है स्पीड कम है रिवर मान लो ट्वेंटी से जा रहा है मैन टेन से जा रहा है तो यहाँ पे अगर ट्वेंटी पुट करोगे यहाँ टेन पुट करोगे थीटा की वैल्यू टू आएगी जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है इसका मतलब ऐसे केस में ड्रिफ्ट मिनिमम नहीं हो सकता है तो इसमें बताया था कि जो जनरल केस है जो जब जब हमारा रिवर की स्पीड बहुत ही तेज है रिवर बहुत जल्दी तेज मूव कर रहा है और मैन जो है थोड़ा स्लो है जो कि जनरली हमेशा ही होता है

अब इसमें से डेल्टा एक्स को करना है मिनिमम तो डेल्टा तो तो थीटा थीटा तो वैसे तो ये डेल्टा नहीं लिखना चाहिए बट ये ड्रिफ्ट है मान लो हम उसको मिनिमाइज कर रहे हैं ये क्वांटिटी डी बाई डी टी डी थीटा वेरिएबल के रेस्पेक्ट में जीरो से इक्वेट करेंगे मैक्सिमम मिनिमा के लिए तो अगर इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो डी बाय वी तो रहेगा ही ये हो जाएगा यू सेक थीटा इंटू टेन थीटा सेक थीटा का डिफ्रेंशिएशन माइनस वी सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू जीरो तो यहां से सेक थीटा कॉमन ले लेंगे डी डिवाइडेड बाय वी जो है ये कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा यू यू टेन थीटा देखोगे इसको जीरो से हम इक्वेट करेंगे तो या तो ये टर्म जीरो होगा या तो ये टर्म जीरो होगा ये जीरो से इक्वेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कि साइन थीटा इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई यू तो तुम्हें हमेशा ये याद रखना है कि जो भी मैक्सिमम है देखो यहाँ पे क्या था रिवर ज्यादा रिवर की स्पीड ज्यादा थी तो ये नीचे आ गया रिवर की स्पीड ज्यादा थी ये नीचे आ गया अभी उधर जो पहले वाला केस था जब रिवर धीरे धीरे जा रहा था उस केस में साइन थीटा इज इक्वल टू यू डिडेड बाई यू आया था जब मैन फास्ट मूव कर रहा था तो तुम्हें याद रखना है दोनों में से कोई भी स्पीड गिवन हो हमें क्या करना है मैक्सिमम को नीचे रखना है मिनिमम को ऊपर रखना है अगर मैन तेजी से जा रहा है तब तो वो अपोजिट पॉइंट तक पहुंच जाएगा अगर रिवर का फ्लो बहुत फास्ट है तो वो अपोजिट पॉइंट तक नहीं पहुंच पाएगा ऐसे केस में कुछ ना कुछ ड्रिफ्ट होगा ही होगा जैसे फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल वही वाले क्वेश्चन में वेलोसिटीज को एक्सचेंज कर लेते हैं और रिवर जो है वो मूव कर रहा है ट्वेंटी से और मैन मूव कर रहा है वी की वैल्यू है टेन और यू की वैल्यू है ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड मीटर पर सेकेंड ये ये जो है डिस्टेंस हमने लिया था कि 500 मीटर है 500 मीटर तो इसमें क्या करना है उसको मिनिमम मिनिमम ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट करना है तो थीटा इज इक्वल टू थर्टी डिग्री आ जाएगा मतलब वो अपने आप को रखेगा किसपे वर्टिकल से थर्टी डिग्री पे मतलब फ्लो के साथ कितने डिग्री पे वन डिग्री पे तो यहाँ पे वो रख दिया ऐसे टेन और ये एंगल हो गया थर्टी डिग्री तो ये कितना टेन कॉस तो ये हो जाएगा 5 रूट 3, ये हो जाएगा टेन साइन थर्टी डिग्री मतलब तो ये हो जाएगा 5 और इधर तो ये जा रहा था 20 से तो व्हाट इज द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ मैन और बोट वो हो जाएगा ट्वेंटी माइनस फाइव ये हो जाएगा फिफ्टीन और इधर हो जाएगा रूट तो इसको टाइम को इस रिवर को क्रॉस करने में कितना टाइम लगता है तो जो वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी वो जाएगी फाइव डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड एक्सलेशन तो है नहीं तो ये हो यह हंड्रेड बाई पे कुछ स्पीड है इसके वजह से कुछ ना कुछ ड्रिफ्ट होगा तो इस केस में शॉर्टेस्ट पाथ यही पॉसिबल है शॉर्टेस्ट पाथ तो ये है लेकिन इसके अलाउ ये जा नहीं पाएगा तो शॉर्टेस्ट पाथ यही पॉसिबल है तो ये कितना हो जाएगा ये यहाँ से हम लिख लेंगे जो ड्रिफ्ट है drift to, यह बताना चाहें कि भाई कितने एंगल पे वो जाएगा तो ये देख सकते हैं कि यहाँ से तो ये फाइव रूट थ्री है और यहाँ से ये यह फिफ्टीन है तो ये रिजल्टेंट जो वेलोसिटी होगी उसी के लॉन्ग जाएगा तो ये एंगल हम बता सकते हैं क्या सिक्सटी डिग्री कि थर्टी डिग्री hmm. यहाँ से ये एंगल अगर थीटा लिखते हैं तो टेन थीटा इज इक्वल टू फाइव रूट थ्री डिवाइडेड बाय फिफ्टीन थ्री वन बाय रूट थ्री तो ये हो जाएगा थीटा थर्टी डिग्री तो ये एंगल जो है हो जाएगा थर्टी डिग्री तो ये एंगल कितना हो जाएगा सिक्सटी डिग्री मतलब उसने अपने आप को प्रोजेक्ट किया ऐसे और वो जाएगा सिक्सटी पे सिक्सटी पे ट करेगा थर्टी पे और जाएगा मतलब ऐसे ऐसे जा रहा होगा ना तो हर मोमेंट पे उसका एंगल क्या होगा इस वर्टिकल के साथ ऐसे ही होगा वो ऐसे ही रखेगा अपने आप को वो ऐसे ही रखेगा बट वो रिजल्टेंट के हिसाब से फ्लो होता जाएगा ऐसा ऐसा कुछ ये हुआ बोर्ड की वेलोसिटी ये उस पर रिवर की वेलोसिटी ये ऐड होके ये ऐसे जाएगा तो ये ड्रिफ्ट हो जाएगा यही मिनिमम ड्रिफ्ट पॉसिबल है यही शॉर्टेज डिस्टेंस पॉसिबल है ठीक है तो चाहे तो यहाँ से यहाँ पे ये यह आ सकता है वॉक करके आना पड़ेगा उसको आई समझ में टाइम हम टाइम को मिनिमाइज करते हैं और ड्रिफ्ट को मिनिमाइज करते हैं शॉर्टेस्ट पाथ लेते हैं शॉर्टेस्ट हो लेते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट कर लेंगे जैसे इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन क्या करना है बेसिक क्लियर है कि वेलोसिटी लेंगे उसको जो रिजल्टेंट लेंगे दो टाइप की पॉसिबिलिटी है एक टाइम को मिनिमाइज करने के लिए टाइम हमारा मिनिमम तब होगा जब सारी की सारी वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में अप्लाई कर दे तो हमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है जो भी स्पीड वी की वैल्यू दी होगी यहाँ पे अगर हमें टाइम मिनिमाइज करना होगा तो क्या आंसर होगा फाइन द मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर तो सारी की सारी वेलोसिटी अपनी पूरी एनर्जी इसी डायरेक्शन में वो लगा दे मतलब वो अपने आप को इस डायरेक्शन में रखेगा बट वो किसी और एंगल पे चलता जाएगा ऐसे ऐसे बट इस केस में टाइम कम लगेगा तो वो टाइम हो जाएगा 500 हंड्रेड डिवाइडेड बाई टेन तो 50 सेकेंड में वो इसको क्रॉस कर पाएगा हम्म ठीक है रिवर रिवर यहां से आंसर सर yes, मान लो ये हाफ किलोमीटर की रिवर है हाफ किलोमीटर की रिवर की वेथ है जीरो पॉइंट फाइव और यू की वैल्यू है थ्री और v की वैल्यू है टू और यू की वैल्यू थ्री है टू है तो व्हाट इज द मिनिमम टाइम टू क्रॉस रिवर मिनिमम टाइम टू क्रॉस रिवर कितना हो जाएगा मिनिमम टाइम जो मैन की स्पीड होगी वही इस डायरेक्शन में अप्लाई कर दे और ये रिवर की थ्री टू तो मिनिमम टाइम जीरो पॉइंट फाइव किलोमीटर है ये किलोमीटर पर आवर है किलोमीटर पर आर किलोमीटर पर, पर आर और ये जो है पॉइंट फाइव किलोमीटर है तो पॉइंट फाइव डिवाइडेड बाई पूरी की पूरी स्पीड वाई डायरेक्शन में टू इतने आर हो जाएंगे टाइम इसमें ड्रिफ्ट कितना होगा ड्रिफ्ट हो जाएगा इसी टाइम में जीरो पॉइंट फाइव डिवाइडेड बाई टू इतने टाइम में एक्स में कितना डिस्टेंस मूव करता है यहाँ पहुंचता है तो इन टू थ्री से मल्टीप्लाई कर देंगे थ्री बाई टू इंटू जीरो पॉइंट फाइव ये आंसर हो जाएगा शॉर्टेस्ट पाथ और इट है मिनिमम ड्रिफ्ट शॉर्टेस्ट पाथ के लिए हमें एंगल फाइंड करते हैं वर्टिकल के साथ तो वो एंगल कितना हो जाएगा साइन थीटा साइन थीटा क्या होता है यहाँ पे कौन सा है यहाँ तो रिवर बहुत तेज है रिवर बहुत तेज है इसका मतलब कि ये डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट तक नहीं पहुंच पाएगा तो हम यहाँ से लिख लेंगे साइन थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय यू मिनिमम बाय मैक्सिमम वी डिवाइडेड बाय यू हो जाएगा टू डिवाइडेड बाई थ्री तो ये ऐसे हो जाएगा ऐसे ये ऐसे मूव करेगा थीटा पे इसमें जो है कितना क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा इसको तो अगर हमें फाइंड करना है तो ये क्या हो जाएगा ये टू है थीटा 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 ये हो जाएगा थ्री टू थीटा टू साइन थीटा तो इसमें टाइम टू क्रॉस द रिवर तो वो हो जाएगा टी टी इज इक्वल टू डिस्टेंस डिस्टेंस मतलब जीरो पॉइंट फाइव डिवाइडेड बाई स्पीड स्पीड कितनी हो जाएगी स्पीड uh, इसकी हो जाएगी टू कॉस थीटा कॉस थीटा थीटा बता पाओगे ये हो जाएगा मतलब और साइन स्क्वायर थीटा तो वन माइनस फोर बाई नाइन यहां से हो जाएगा थ्री फोर फाइव ये हो जाएगा टाइम इस केस में ठीक है तो ये था इसका yes, रिवर बोट ठीक है ये